हेलो एवरीवन, आज की इस क्लास में अपन सरफेस केमिस्ट्री के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो रिड्यूस सिलेबस के अकॉर्डिंग है, और इन्हीं क्वेश्चंस में पूरा चैप्टर अपन कवर करेंगे। दो तीन पार्ट में वीडियो बनेगा, तो लेट अस सी। फर्स्ट अपन देखते हैं डिफाइन एडजॉर्प्शन गिवन एग्जाम्पल। एडजॉर्प्शन को डिफाइन करना है तो एडजॉर्प्शन अपन किसे बोलते हैं? द प्रोसेस ऑफ एक्यूमिलेशन और गैदरिंग ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ ए सब्सटेंस ऑन द सर्फेस ऑफ एनी सॉलिड और लिक्विड इज कॉल्ड एडजॉर्प्शन। यानी सॉलिड या लिक्विड की सर्फेस पे किसी सब्सटेंस का जमा होना, उसे अपन क्या बोलते हैं? एडजॉर्प्शन बोलते हैं। एग्जाम्पल जैसे द सॉल्यूशन ऑफ ऑर्गेनिक डाई लाइक मिथाइलिन ब्लू बिकम कलरलेस व्हेन एनिमल चारकोल इज एडेड इन द सॉल्यूशन। इट इज ड्यू टू एडजॉर्प्शन ऑफ कलरिंग सब्सटेंस अवर चारकोल। यानी ऑर्गेनिक डाई है जैसे अपने पास मिथाइलिन ब्लू, इसका सॉल्यूशन अपन बना ले तो ब्लू कलर का होगा, और जैसे ही इसमें एनिमल चारकोल डाल दिया जाता है सॉल्यूशन कैसा होता है? कलरलेस। किस वजह से हो गया सॉल्यूशन कलरलेस? कलर पार्टिकल है वो चारकोल की सरफेस पे क्या हो गई? एडजॉर्ब हो गई। सेकेंड क्वेश्चन अपन देखते हैं, राइट डिफरेंस बिटवीन एडजॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन है ये, एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन में क्या डिफरेंस है? देखिए एडजॉर्प्शन क्या होता है, एडजॉर्प्शन में कोई भी सब्सटेंस कहाँ पे जमा होता है? सरफेस पे जमा होता है। और एडजॉर्प्शन में क्या होता है, सॉरी एडजॉर्प्शन में क्या होता है? कोई भी सब्सटेंस सरफेस पे जमा हो, और एब्जॉर्प्शन में कोई भी सब्सटेंस वो किसी दूसरी सब्सटेंस के बल्क पार्ट में जाके इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो एडजॉर्प्शन क्या है? एक सरफेस फिनोमिना। एब्जॉर्प्शन क्या हो गया? एक बल्क फिनोमिना। फिर इन एडजॉर्प्शन कंसेंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस इज हाई एट सरफेस। एडजॉर्प्शन में किसी भी सब्सटेंस की कंसेंट्रेशन कहाँ पे ज़्यादा होती है? सरफेस पे ज़्यादा होती है। वाइल इन एब्जॉर्प्शन पार्टिकल्स आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इन बल्क पार्ट ऑफ ए सब्सटेंस। एब्जॉर्प्शन में क्या होता है, किसी भी सब्सटेंस के बल्क पार्ट में किसी दूसरे सब्सटेंस के पार्टिकल इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। फिर एडजॉर्प्शन क्या होता है, स्टार्टिंग में फास्ट बट डिक्रीजेज विद टाइम। टाइम के साथ क्या होता है? डिक्रीज होने लगता है। एब्जॉर्प्शन प्रोसेस अकर्स एट यूनिफॉर्म रेट। और एब्जॉर्प्शन जो है वो यूनिफॉर्म रेट से होगा। यानी ध्यान रखें, एडजॉर्प्शन क्या, एक सरफेस फिनोमिना, और एब्जॉर्प्शन क्या हो जाएगा, एक बल्क फिनोमिना। एडजॉर्प्शन में सब्सटेंस की कंसेंट्रेशन कहाँ पे ज़्यादा होती है? सरफेस पे। और एब्जॉर्प्शन में कोई भी सब्सटेंस है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट रहता है किसी सब्सटेंस के बल्क पार्ट में, बल्क मतलब इंटीरियर पार्ट। एडजॉर्प्शन में अपन क्या बताते हैं, स्टार्टिंग में फास्ट होता है, फिर टाइम के साथ साथ डिक्रीज होने लगता है। एब्जॉर्प्शन है वो इक्वल रेट से होगा। ऐसे ही नेक्स्ट अपना क्वेश्चन बनता है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन फिजिकल एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन टू टाइप के होते हैं, फिजिकल और केमिकल। फिजिकल एडजॉर्प्शन पे टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है? तो ध्यान रखें, सिंस द प्रोसेस ऑफ फिजिकल एडजॉर्प्शन इज एक्सोथर्मिक इन नेचर। फिजिकल एडजॉर्प्शन का प्रोसेस कैसा होता है नेचर में? एक्सोथर्मिक होता है। तो टेम्परेचर बढ़ाने पे फिजिकल एडजॉर्प्शन हमेशा क्या होता है? डिक्रीज। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा ये, फिजिकल एडजॉर्प्शन पे टेम्परेचर का इफेक्ट। तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पे फिजिकल एडजॉर्प्शन क्या होता है? डिक्रीज होने लगेगा। ऐसे ही इसका ग्राफ भी अपन बता सकते हैं, एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन और टेम्परेचर के बीच ग्राफ खींच रहे हैं फिजिकल एडजॉर्प्शन के लिए। तो टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या होगा? डिक्रीज होगा। ध्यान रखें, जब टेम्परेचर और एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन के बिटवीन ग्राफ अपन ड्रॉ करते हैं तो कांस्टेंट प्रेशर पे करते हैं, इसलिए इस ग्राफ को एडजॉर्प्शन आइसोबार भी बोला जाता है। ध्यान रखें, तो एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन और टेम्परेचर के बिटवीन ग्राफ आपने ड्रॉ किया किसके लिए? फिजिकल एडजॉर्प्शन के लिए। तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पर फिजिकल एडजॉर्प्शन क्या हो रहा है? डिक्रीज। ऐसे ही अगला क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ एडजॉर्प्शन इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक इन नेचर। एडजॉर्प्शन का प्रोसेस हमेशा नेचर में कैसा होता है? एक्सोथर्मिक। तो अपन क्या बताते हैं, ऑन एडजॉर्प्शन देर इज डिक्रीज इन रेजिडुअल फोर्स, दैट इज सरफेस एनर्जी डिक्रीज। यानी जैसे ही एडजॉर्प्शन होता है तो सरफेस एनर्जी क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है। देयर फॉर द प्रोसेस ऑफ एडजॉर्प्शन इज एक्सोथर्मिक। इसलिए एडजॉर्प्शन का प्रोसेस हमेशा कैसा होता है? एक्सोथर्मिक होता है। यानी डेल्टा एच का साइन कैसा होगा? नेगेटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन। अपने को पता है कि जब एडजॉर्प्शन होता है तो हीट इवॉल्व होती है। तो जैसे ही गैस का 1 मोल एडजॉर्ब हो रहा है सॉलिड या लिक्विड की सरफेस पे तो कितनी हीट निकलती है उसे ही अपन बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन। यानी व्हेन 1 मोल ऑफ गैस इज एडजॉर्ब ऑन सरफेस ऑफ सॉलिड और लिक्विड इवॉल्व अमाउंट ऑफ हीट इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन। जैसे ही गैस का 1 मोल एडजॉर्ब होता है कहाँ? सॉलिड और लिक्विड की सरफेस पे, तो निकलने वाली हीट को आप बोलेंगे एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन बोलेंगे। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन अपना आता है, राइट डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एडजॉर्प्शन एंड केमिकल एडजॉर्प्शन। तो देखिए, इन फिजिकल एडजॉर्प्शन वीक वॉन्डरवॉल अट्रैक्शन फोर्स इज प्रेजेंट बिटवीन एडजॉर्बेट एंड एडजॉर्बेंट। फिजिकल एडजॉर्प्शन में क्या होता है, वीक वॉन्डरवॉल अट्रैक्शन फोर्स मिलता है एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट के बिटवीन। केमिकल में क्या होगा, केमिकल बॉन्ड
या केमिकल अट्रैक्शन फोर्स मिलेगा कहाँ, बिटवीन एडजोर्बेंट एंड एडजोर्बेंट। सेकेंड सेकेंड डिफरेंस क्या हो जाएगा, केमिकल एडजॉर्प्शन नेचर में स्पेसिफिक होता है, फिजिकल एडजॉर्प्शन नॉन स्पेसिफिक होता है। केमिकल एडजॉर्प्शन क्या होता है, इरिवर्सिबल, यानी एक ही डायरेक्शन में होता है। फिजिकल एडजॉर्प्शन होता है रिवर्सिबल। फिजिकल एडजॉर्प्शन टेम्परेचर इंक्रीज करने पे डिक्रीज होता है, केमिकल इंक्रीज होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बनेगा, ध्यान रखें। टेम्परेचर का इफेक्ट फिजिकल में क्या होता है, टेम्परेचर इंक्रीज करने पे डिक्रीज होगा, और केमिकल क्या होता है, इंक्रीज। केमिकल एडजॉर्प्शन इज मोनोलेयर्ड, केमिकल एडजॉर्प्शन मोनोलेयर्ड होगा, वाइल फिजिकल एडजॉर्प्शन इज मल्टीलेयर्ड। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन अपना हो गया, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन केमिकल एडजॉर्प्शन। तो वही क्वेश्चन अपना बन गया, टेम्परेचर का इफेक्ट केमिकल एडजॉर्प्शन पे क्या होता है। तो केमिकल हमेशा क्या होता है, इंक्रीज होता है टेम्परेचर बढ़ाने पे। कैसे, क्योंकि केमिकल एडजॉर्प्शन में क्या होता है, एडजोर्बेट और एडजोर्बेंट के बीच केमिकल रिएक्शन होती है, और टेम्परेचर यदि अपन इंक्रीज करते हैं तो कोलिजन बढ़ेंगे, कोलिजन बढ़ेंगे तो रिएक्शन की रेट क्या होगी, बढ़ेगी। यानी केमिकल एडजॉर्प्शन टेम्परेचर इंक्रीज करने पे इंक्रीज होता है, ध्यान रखिए। ऐसे ही नेक्स्ट अपना क्वेश्चन बन गया, व्हाट डू यू मीन एडजॉर्प्शन आइसोबार। एडजॉर्प्शन आइसोबार का मतलब क्या है, आइसो मीन्स क्या होता है, कॉन्स्टेंट, बार किसकी नहीं, टेम्परेचर की। तो कॉन्स्टेंट प्रेशर पे अपन ग्राफ खींचते हैं, एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन यानी एक्स अपॉन एम और टेम्परेचर के बिटवीन, उसे अपन बोलते हैं एडजॉर्प्शन आइसोबार। ऐसे ही अगला क्वेश्चन अपना है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एडजॉर्प्शन ऑफ गैस एंड क्रिटिकल टेम्परेचर। तो ध्यान रखें, क्रिटिकल टेम्परेचर जिस गैस का ज्यादा होगा उसका एडजॉर्प्शन भी क्या होता है, ज्यादा होता है। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल हैपन व्हेन चारकोल पाउडर इज एडेड इन ए कंटेनर ऑफ गैसियस मिक्सचर। किसी गैस से भरे हुए कंटेनर में यदि चारकोल पाउडर डाल दिया जाए तो क्या होगा, अपन क्या बताएंगे, प्रेशर इन साइड द कंटेनर डिक्रीजेज। कंटेनर के इन साइड क्या होता है, प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। कैसे, बिकॉज सम ऑफ द गैसियस पार्टिकल गेट एडजॉर्ब ऑन द सर्फेस ऑफ चारकोल। गैस के कुछ मॉलिक्यूल चारकोल की सर्फेस पे एडजॉर्ब हो जाएंगे, जिससे प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, विच सब्सटेंस इज यूज टू सेपरेट नोबल गैस फ्रॉम इट्स मिक्सचर। नोबल गैस का मिक्सचर है हीलियम, नियॉन, ऑर्गन क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन, उससे नोबल गैस आपको सेपरेट करनी है। तो सेपरेट करने के लिए अपन किसका यूज करते हैं, कोकोनट चारकोल का यूज करते हैं, ध्यान रखें। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, विच सब्सटेंस इज यूज टू एडजॉर्ब एंड एब्जॉर्ब वाटर वेपर। तो एडजॉर्प्शन के लिए यूज करते हैं किसका, सिलिका जेल का, और एब्जॉर्प्शन के लिए यूज करते हैं, ध्यान रखें, एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड। एडजॉर्ब कौन करेगा, सिलिका जेल, और एब्जॉर्ब कौन करेगा, कैल्शियम क्लोराइड। ऐसे ही एक और क्वेश्चन बनेगा, ऐसे देखिएगा, राइट द नेम ऑफ एडजॉर्बेट एंड एडजॉर्बेंट इन द फॉलोइंग टू रिमूव कलरिंग मटेरियल फ्रॉम सॉल्यूशन। किसी भी सॉल्यूशन से कलरिंग मटेरियल को हटाने के लिए किसका यूज करते हैं, एनिमल चारकोल का। इन गैस मास्क, गैस मास्क में किसका यूज करते हैं, चारकोल पाउडर का, ध्यान रखिएगा। ऐसे ही क्वेश्चन देखते हैं अपन नेक्स्ट, कैटलिस्ट का पूरा टॉपिक हट गया आपका, तो अपना नेक्स्ट टॉपिक कोलाइडल सॉल्यूशन से क्वेश्चन बनेंगे। व्हाट इन बाय बेंजोसोल एंड एल्कोसोल। कोलाइडल सोल में दो फेज होंगे अपने, तो डिस्पर्स फेज, दूसरा होता है डिस्पर्जन मीडियम। तो बेंजोसोल किसे बोलते हैं, इफ डिस्पर्जन मीडियम इज बेंजीन देन कोलाइडल सोल इज नोन एज बेंजोसोल। डिस्पर्जन मीडियम क्या हो, बेंजीन हो, तो कोलाइडल सोल को अपन क्या बोलते हैं, बेंजोसोल बोलते हैं। एल्कोसोल, एल्कोसोल में डिस्पर्जन मीडियम क्या होगा, एल्कोहल होगा। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, राइट डिफरेंस बिटवीन लायोफिलिक एंड लायोफोबिक। देखिए लायो वर्ड का मतलब क्या होता है, सॉल्वेंट यानी कि डिस्पर्जन मीडियम। फिलिक वर्ड किससे बना, फाइल, फाइल का मतलब होता है टू एफिनिटी या फिर टू लव। तो लायोफिलिक में अपन क्या बताएंगे, डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम के पार्टिकल बिटवीन ग्रेट लव मिलता है, ग्रेट एफिनिटी मिलती है, यानी कि ग्रेट अट्रैक्शन फोर्स मिलता है। लायोफोबिक, लायो मीन सॉल्वेंट, फोबिक मीन रिपेल, यानी यहाँ डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम के पार्टिकल बिटवीन कोई ग्रेट एफिनिटी नहीं मिलती है, कोई ग्रेट अट्रैक्शन फोर्स नहीं मिलता है। तो लायोफिलिक में अपन क्या बता देंगे, इन दिस सॉल्यूशन देयर इज ग्रेट एफिनिटी, ग्रेट लव इज प्रेजेंट बिटवीन डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम। और लायोफोबिक में, इन दिस सॉल्यूशन नो ग्रेट एफिनिटी इज प्रेजेंट बिटवीन डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम पार्टिकल। अब लायोफिलिक में अपन देख रहे हैं ग्रेट लव मिल रहा है, तो इनको डायरेक्ट मिक्सिंग से बना सकते हैं, यानी डिस्पर्जन मीडियम में डिस्पर्स फेज डिजोल्व करें, डायरेक्ट ही प्रिपेयर हो जाएगा। लायोफोबिक को डायरेक्ट मिक्सिंग से नहीं बना सकते। लायोफिलिक कैसा होता है नेचर में, स्टेबल, और लायोफोबिक कैसा हो जाएगा, अनस्टेबल। ऐसे ही लायोफिलिक में अपन क्या बताएंगे, कैन नॉट बी प्रेसिपिटेट इजिली। लायोफिलिक का प्रेसिपिटेट नहीं बनाया जा सकता, और लायोफोबिक का कैन बी प्रेसिपिटेटेड इजिली, द सोल्यूशन कैन बी प्रेसिपिटेटेड इजिली। लायोफोबिक का प्रेसिपिटेट बन जाता है इजिली। लायोफिलिक नेचर में रिवर्सिबल होता है, रिवर्सिबल मीन्स एक बार प्रेसिपिटेट बन गया तो इसे दोबारा बनाया जा सकता है।
लायोफोबिक नेचर में कैसा होगा, इरिवर्सिबल यानी रिप्रिपेयर नहीं किया जा सकता। ऐसे ही देखिएगा राइट, द नेम ऑफ डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्जिव मीडियम द फॉलोइंग, स्मोक, मिल्क, व्हिप्ड क्रीम। डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जिव मीडियम कौन सा है? स्मोक में ज्यादा अमाउंट में क्या होता है, गैस होता है, यानी डिस्पर्जिव मीडियम क्या होगी, गैस। और डिस्पर्स फेज में क्या होगा, सॉलिड के पार्टिकल्स, कार्बन पार्टिकल्स। मिल्क में डिस्पर्स फेज भी लिक्विड होता है, डिस्पर्जिव मीडियम भी लिक्विड होता है, इसे इमल्शन अपन बोल सकते हैं। व्हिप्ड क्रीम में ध्यान रखिए डिस्पर्जिव मीडियम कौन सा होगा, लिक्विड, और डिस्पर्स फेज कौन सा होगा, गैस हो जाएगा। ऐसे ही नेक्स्ट अपना है क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ प्रोसेस इन विच रेड सॉल्यूशन इज ऑब्टेन व्हेन डाइल्यूट एचसीएल इज मिक्स्ड विद फ्रेश फेरिक ऑक्साइड सॉल्यूशन या फ्रेशली फॉर्म प्रेसिपिटेट ऑफ फेरिक हाइड्रोक्साइड भी आ सकता है यहाँ पे। तो ध्यान रखिएगा कोलाइडल सॉल्यूशन में कहीं भी आपको नाम फ्रेशली फॉर्म्ड प्रेसिपिटेट या फ्रेश सॉल्यूशन दिख जाए तो वहां आपको आंसर क्या लिखना है, पेप्टाइजेशन लिखना है। तो फ्रेशली फॉर्म फेरिक हाइड्रोक्साइड लिख सकते हैं अपन या फ्रेश फेरिक ऑक्साइड सॉल्यूशन लिख सकते हैं। इसमें जैसे ही डाइल्यूट एचसीएल अपन मिक्स करेंगे तो प्रोसेस का नाम अपन क्या बता देंगे यहाँ पे, पेप्टाइजेशन। ऐसे ही नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, एक्सप्लेन व्हाई कोलाइडल पार्टिकल्स आर गुड एडजोर्बेंट। कोलाइडल पार्टिकल गुड एडजोर्बेंट होते हैं किस वजह से, क्योंकि कोलाइडल पार्टिकल का सरफेस एरिया क्या होता है, ज्यादा होता है, इसलिए कोलाइडल पार्टिकल गुड एडजोर्बेंट होते हैं। तो अपन क्या बता देंगे, ड्यू टू मोर सरफेस एरिया ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स दीज आर गुड एडजोर्बेंट। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, विच टाइप ऑफ कोलाइडल सॉलिड चीज, चीज कौन से टाइप का कोलाइडल सॉलिड। तो ध्यान रखिए चीज एक जेल है, चीज को अपन क्या बोल सकते हैं, जेल बोल सकते हैं। डिस्पर्जन मीडियम क्या होता है इसमें, सॉलिड, और डिस्पर्स फेज क्या होगा, लिक्विड, यानी ज्यादा अमाउंट में क्या होता है, चीज में सॉलिड होता है।